प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और उनके शपथ लेने के साथ ही पूरे देश भर के साथ साथ राजधानी रांची में जश्न का माहौल है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं जहां भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और दोहरी जश्न इसलिए है क्योंकि यहां के जो सांसद हैं संजय सेठ वो बतौर मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं तो इनके लिए खुशी जो है दोहरी हो जाती है, दोहरी खुशी कह सकते हैं क्योंकि यहां के जो सांसद है संजय सेठ वो भी मंत्री मंडल में शामिल है। क्या कहेंगे, दोहरी खुशी है? देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि तीसरी बार इतिहास में वो प्रधानमंत्री बने हैं और देश में वैसे प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री मिला है जो आज विश्व में प्रधानमंत्री जी की चर्चा होती है। आप कह ऐसे अवसर आए होंगे, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा कर अपने देश के लोगों को वापस लाया और उस देश के झंडा दिखा के अन्य देश के लोग भी बाहर निकले, तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई शुभकामना देता हूं। साथ में आपको बता दूं कि रांची में माननीय लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी को भी कैबिनेट में स्थान मिला है, उससे रांची वासी के साथ साथ पूरे झारखंड वासी उत्साह में है, खुशी में है क्योंकि झारखंड में रांची में और विकास होगा। माननीय सांसद जी का अनेक विकास योजना है, सामने देख लीजिए फ्लाईओवर भी चल रहा है, तो अनेक विकास योजना है और संजय सेठ से बहुत उम्मीद है झारखंड के लोगों को और मोदी जी को व्यक्तिगत झारखंड से लगाव भी रहा है। झारखंड के बारे हमेशा मोदी जी चिंता भी करते हैं तो यहाँ की जनता में, यहाँ के कार्यकर्ता में, यहाँ के युवाओं में पूरी खुशी की लहर है। बीजेपी के जो सांसद है संजय सेठ, क्या वजह मानते हैं जिनके वजह से उनके मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? देखिए, संजय सेठ के अंदर एक विजन है काम करने का, उन्होंने एक टर्म सांसद के रहते हुए विभिन्न बड़े योजनाओं में मोदी जी से बात करके वहाँ के सांसद से लड़ के विभिन्न योजनाओं को लाया, विकास के काम, मोदी जी विकास पंथ जो विकास के प्रति रुचि लेता है मोदी जी की वो पसंद आया और ये विकास के प्रति हमेशा सजग रहे हैं। आप देखेंगे लोकसभा में डेली कुछ न कुछ मुद्दा लेके आवाज़ उठाते थे, इनके कार्य को देखते हुए, कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें मंत्री मंडल मिला है। कब तक चलेगा ये जश्न? पूरे साल चलेगा जश्न, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक हम लोग जश्न मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। खुशी है सांसद संजय सेठ भी जो है वो भी मंत्रिमंडल में शामिल, खुश है, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में खुशी व्यक्त कर रहे हैं और ये कार्यकाल और भी सशक्त होगा और इस कार्यकाल में भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत की आर्थिक स्थिति जो आज पांचवें नंबर पे है हम लोग तीसरे नंबर पे आएंगे, ऐसी संभावना है, नहीं पूर्ण विश्वास है। दूसरी बार सांसद के रूप में जो है वो यहाँ से जीते हैं और दूसरी बार जीतने के साथ ही उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है, क्या कहते हैं, कितना बड़ा अवसर है आप लोग के लिए? देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ स्तर के जो अध्यक्ष है वो गली गली हर गली मोहल्ले जा जा के भाजपा के लिए मतलब वोट मांगा उन्होंने, किस तरह भाजपा काम की, पहले भी सांसद रह चुके और किस तरह इनके सांसद रहते आप देख सकते हैं कि रातू रोड में जाम का विकास हुआ और ऐसी बहुत सी जो मुद्दे हैं संजय सेठ जी के द्वारा और रखी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हटिया रेलवे स्टेशन का ये आपका शिलान्यास हुआ था, अभी नामकुम रेलवे स्टेशन उसका भी शिलान्यास हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये रांची वासियों के लिए बहुत अहम बात है कि यहाँ से जो मंत्री बनने जा रहे आदरणीय संजय सेठ जी, तो आगे भी चल के रांची का विकास होगा और आदरणीय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देने जा रहे हैं कि 3.0 उनका हम लोग को देखने को मिलेगा और एक भारत ऊंचाई पे जाएगी और विकास होगा और यही वजह है कि उनके मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया है और प्रधानमंत्री जहां तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं वहीं पहली बार रांची के सांसद संजय सेठ मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और कार्यकर्ताओं का कहना है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है काम यहां पर किए हैं, विकास के कार्यों को यहां पर लाया है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आने वाले समय में आ सकती हैं, हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनका कद जो है और भी बढ़ जाएगा। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैरोसन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है, IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है, आइए खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।